प्रेज लॉर्ड हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया, मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2024 में 29 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। हालेलुया, इसलिए प्रभु की महिमा और आराधना करें। आज प्रार्थना का और अवेकनिंग मीटिंग का तीसरा दिन है। हालेलुया, इसलिए प्रार्थना के संग प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, धन्यवाद ही मन से प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु के दिए हुए हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद कहें। पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमें संभाले रखा, उसके लिए धन्यवाद कहें। अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। रात को अच्छी नींद दी परमेश्वर ने, उसके लिए धन्यवाद कहें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज रात को भी प्रभु ने हमें संभाला और हमें आज प्रभु ने जगाया अच्छे आरोग्य के साथ, उसके लिए धन्यवाद कहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह में प्रभु हमें जय वंश चलाते हैं, उसके लिए आनंदों का परमेश्वर की स्तुति करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। हालेलुया, परमेश्वर के हुए आशीषों के लिए धन्यवाद कहे। हम शायद कहेंगे हमें कोई भलाई नहीं दिख रही, लेकिन मेरे प्रिय लोग, अगर आपका आरोग्य है, आज अगर आई संदेश भी सुन रहे हैं, ये प्रभु की कृपा है। प्रभु ने आपको जीवन दिया है, इसलिए प्रभु की महिमा करें। आमेन। जैसे संगीतकार भजन संहिता 50:14 में कहते, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाओ, परम प्रदान के लिए अपनी मन्नतें पूरी करें। और 30 वचन कहता है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। आमेन। इसलिए आज कुछ ना करें, सिर्फ परमेश्वर की स्तुति करते रहे। हमें परमेश्वर ने हाथ उठाने को सहायता की, उसके लिए धन्यवाद कहे। ताली बजाने के लिए परमेश्वर ने कृपा दी, उसके लिए धन्यवाद कहे। हमारे सामने भोजन है, उसके लिए धन्यवाद कहे। ऐसे हर एक चीजों के लिए धन्यवाद देते रहे। हालेलुया, धन्यवाद का दिन मनाया आज। आमेन। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हम ऐसे के पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों समर्पित करते हैं। आपकी कृपा से, आपके नए बल से आप इनको भर दे, पवित्र आत्मा के नए भरपूरी से, नए आत्मिक अनुभवों से भर दे पिता। आत्मिक कृपा से हमें आशीषित करे पिता। हालेलुया, एलिशा की आंख जिस तरीके से खुल गए, वैसे ही प्रभु आपके बच्चों की भी आंखें खुल जाए। जो आपने तैयार करके रखा है वो भलाइयों को देखने के लिए, जो रास्ते आपने खोले उसमें चलने के लिए आप हमें कृपा दे। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से आंखें खुल जाए। यीशु मसीह के नाम से आपके लोगों की आंखें खुल जाए। प्रभु आपने ऐसे किया, उसके लिए धन्यवाद। जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करें। हर एक रोग की अवस्था से यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिले। यीशु मसीह के नाम से अद्भुत चंगाई हो। जिनको भी उनके जीभ में जो अल्सर से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं उनके ऊपर। यीशु मसीह के नाम से उनके मुंह में चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया, पेट में जो अल्सर से जो पीड़ित है, छाली से जो पीड़ित है, और जो ब्लीडिंग हुआ है, वो सब यीशु मसीह के नाम से रुक जाए। यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। प्रभु आपकी बड़ी महिमा प्रवर्तित हो आपके बच्चों में। पवित्र आत्मा आपके अभिषेक से आप हमें लेके चले पिता। पिता, आर्थिक विषय में छुटकारा दे आपके बच्चों को। हमारे बच्चों को भी आपके हाथों समर्पित करते हैं। प्रभु आप उनको संभाले पिता, आप उनको अच्छे तरीके से आप चलाते हैं, आपके रास्ते में चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जो भी रोग से पीड़ित है उनको आपने चंगाई दी, उसके लिए धन्यवाद। जिनको नौकरी नहीं है पिता, आप उनके रास्ता खोल के दे पिता। हालेलुया, पिता आप उनके लिए रास्ता खोलते हैं, गलत रास्ते से जाने से बचाए पिता आपके बच्चों को। हालेलुया, और प्रभु जो जरूरतें हैं वो सब आप पूरा के देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। शाम की मीटिंग को भी आप आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीषित करें। आज के दिन आपके साथ परमेश्वर की बड़ी कृपा समाधान बने रहे, आमेन। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार शाम को इंडियन समय 9:30 मीटिंग चालू होगा, तो आप जरूर प्रार्थना के संग उसके भागी बने। आइए वचन के अध्ययन देखिए, इब्रानियों की किताब से। हालेलुया, जो हम बार बार पढ़ते हैं और हमें वो ध्यान देना बहुत जरूरी है। हालेलुया, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है।
इब्रानियों किताब 13वां अध्याय उसका 5वां वचन, उसमें लिखा है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। आज का संदेश का शीर्षक है कि हमारा परमेश्वर हमें कभी छोड़ेंगे नहीं, वो हमारे संग है हमेशा, वो हमारे सबसे बड़े बल है। हालेलुया कि प्रभु हमारे संग है, आमेन। हमारे जीवन में सबसे बड़ा आशीष ये है कि हर एक प्रयास, हर एक कष्ट, हर एक रोग में भी हमारे लिए काफी कौन है, यीशु ही काफी है। जिस तरीके से वो गीत कहता है हालेलुया कि कष्ट हो या रोग हो, यीशु ही काफी है मुझे, आमेन। इसलिए जब सब लोग रहते हैं तो हमें लगता है कि वो अच्छा समय है। हम जब ऊंचाई प्राप्त करते हैं, उन्नति प्राप्त करते हैं, हालेलुया, हमारे साथ खड़े होने के लिए बहुत लोग हो सकते हैं, हालेलुया। लेकिन जैसे ही हम प्रयास में या हम जैसे ही असफलताएं देखने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि सही में हमारा दोस्त कौन है, और हम तब देख सकते हैं कि कोई हमारे संग भी नहीं खड़ा है, हालेलुया। लेकिन जैसे संगीतकार भी कहते हैं, जिनका मन टूटा हुआ है, जिसका दिल टूटा हुआ है, परमेश्वर उनसे और करीब रहते हैं, उनको परमेश्वर मरम्मत करते हैं, हालेलुया। जब निराशा में जो भार से बैठते हैं, तब सब हमारे संग दुनिया के लोग नहीं लेकिन हमारा परमेश्वर ही मिलते हैं, हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है, अच्छाई में भी बुराई में भी। हम जब पर्वत में है, हम जब तराई में है, तब भी परमेश्वर हमारे संग है। इसलिए संगीतकार 23 में कहते हैं हालेलुया, घोर अंधकार से भी चल के जाओ तो भी मेरे को कोई भय नहीं, हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर सिर्फ पर्वत में नहीं, हालेलुया, वो तराई में भी हमारा परमेश्वर है, हालेलुया। वो हमारे संग रहते हैं, वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। इसलिए धैर्य के साथ रहे, समाधान के साथ रहे, शांति के साथ रहे, सिर्फ घोषणा करते रहे, परमेश्वर आप मेरे संग है। उसके लिए धन्यवाद, आपके सौठे मुझे संभालती है, हालेलुया, आप मेरे संग है। उसके लिए धन्यवाद, आपके आवाज जो है मुझे खुशी और समाधान देता है। ऐसे हम परमेश्वर को बोले, हालेलुया, हम खुद से बोलने वाले हो और परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने लगे। परमेश्वर की स्तुति करते रहे, स्तुतियों में विराजमान होने वाला प्रभु है। परमेश्वर आप मेरे संग है, परमेश्वर आप मेरे साथ है, हर एक परेशानी में, हर एक भलाई में परमेश्वर आप ही मेरे साथ है। उसके लिए धन्यवाद, हमारे हाथ पकड़ के चलाने वाला परमेश्वर, अच्छे प्रभु, अच्छे पिता को हम धन्यवाद देते हुए आज का दिन बिताए, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारे साथ हमेशा है, हालेलुया, आमेन। दिन रात हम सो रहे बोल के वो दूर नहीं चले जाते हैं, लेकिन बिना उंगे बिना सोए वो हमें संभाल रहे हैं, हालेलुया। यही परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, यही परमेश्वर हमें संभालते हैं, यही परमेश्वर हमें सुरक्षा देते हैं। उस परमेश्वर के प्यार को जरा अनुभव करें, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले हो, हमें हाथ पकड़ कर चलाएंगे करके परमेश्वर का वादा है। आप सब अपने हाथों को बढ़ा दे परमेश्वर की ओर और परमेश्वर आपको चलाएंगे। सब आप घोषणा करें, परमेश्वर आप मेरे हाथ पकड़ के चल रहे, हालेलुया। जब हम ऐसे करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आप आगे बढ़ते जाओगे, आमेन। ये वचन अगर आपके लिए आशीष का कारण बना तो दूसरों को भी भेजे ताकि उनका जीवन भी आशीषित हो जाए। मेरे साथ कई यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे, हालेलुया, हम बड़े चिन्ह और चमत्कार वीर प्रवृत्तियां देखेंगे, विशालता और उन्नति प्राप्त करेंगे, सब देखकर आश्चर्यचकित और भयभीत होंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।